नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र में खुद को बेरोजगार दिखाओ और बेरोजगारी भत्ता पाओ। जी हां, खट्टर सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार दिखाने वाले लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी रोजगार कार्यालय में 3 साल से पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और पात्र लोग 30 नवंबर तक अपने आवेदन दे सकते हैं। इस बार पात्र लोगों को बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र में खुद को बेरोजगार दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर किसी युवक ने परिवार पहचान पत्र में खुद को बेरोजगार नहीं दिखाया और अपनी इनकम दिखा दी तो ऐसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। यानी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए परिवार पहचान पत्र में खुद को बेरोजगार दिखाना जरूरी है। ये बड़ा बदलाव खट्टर सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नियम में किया है। सरकार के मुताबिक परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार और महिला को हाउसवाइफ दिखाना आवश्यक है। आवेदक शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए 16 से 31 साल के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 35 साल हो गई है उनको भत्ता नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन सरल केंद्रों पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा सकता है। जिन युवाओं ने 3 साल पहले रोजगार कार्यालय में आवेदन किया था वो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नए युवा भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। बता दें, हर साल 31 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम 3 साल से चल रहे हैं उनका सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता बांधा जाता है, साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का नाम पंजीकृत भी किया जाता है। फिलहाल अगर आपकी उम्र भी 16 से 31 साल है और आपके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।